ये कहानी तब की है जब पृथ्वी पे धीरे धीरे गर्मी बढ़ती जा रही थी और पृथ्वी पे इंसानों की जनसंख्या भी बहुत ही ज्यादा थी, इसीलिए लोगों में बीमारियां बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी। और जल्दी ही वैज्ञानिकों को समझ में आ गया कि अब ये पृथ्वी इंसानों का रहने लायक नहीं बचेगी, इसीलिए वैज्ञानिकों ने नए ग्रह को खोजना शुरू कर दिया जहां पे इंसान रह सके। और 2063 में वैज्ञानिकों ने एक नए ग्रह को खोज निकाला। कहानी की शुरुआत होती है और हम एक महिला को देखते हैं जो कि सारे लोगों को बता रही होती है कि उन्होंने एक नए प्लैनेट को ढूंढ लिया है जहां पे इंसान रह सकते हैं, लेकिन प्लैनेट पे जाने में 86 साल का वक्त लगने वाला है, इसीलिए हम सिर्फ बच्चों को उस प्लैनेट पे भेजने वाले हैं ताकि बच्चों के पास ज्यादा वक्त हो और वो अंतरिक्ष में ही अपने बच्चे पैदा कर सके। और अगर हम सिर्फ बच्चों को भेजते हैं तब भी उन बच्चों की तीसरी पीढ़ी ही उस ग्रह को देख पाएगी। और अब हमारे सामने आते हैं डॉक्टर रिचर्ड और यहाँ पे हमें पता लगता है कि ये सारे वैज्ञानिक मिलकर के 30 बच्चे बनाने वाले हैं और इन सारे बच्चों को लैब में बनाया जाएगा, लेकिन इन बच्चों को इंसानों के डीएनए से बनाया जाएगा और इस चीज की कोशिश की जाएगी कि ये नॉर्मल इंसानों से ज्यादा चालाक हो। और जब तक पृथ्वी पे होंगे तब तक इन्हें आइसोलेशन में रखा जाएगा ताकि ये पृथ्वी के किसी भी दृश्य को ना देख सके, ताकि इनके दिमाग में पृथ्वी की कोई भी यादें ना हो और ये लोग जिस ग्रह पे जाएं वही ग्रह इनका घर हो। और अब सारे लोग इस मिशन की शुरुआत कर देते हैं और जल्दी से उन सारे बच्चों को लैब में बना दिया जाता है और धीरे धीरे वो बच्चे बड़े होने लगते हैं। लेकिन इस बीच उन्हें आइसोलेशन में रखा जाता है और वहीं पे उन्हें तालीम भी दी जाती है और बीच बीच में रिचर्ड इन बच्चों से आकर के मिलता रहता है, इसीलिए बच्चे रिचर्ड को बहुत पसंद करते हैं और रिचर्ड भी इनके साथ बहुत सारा समय बिताता है। और रात में जब रिचर्ड सारे बच्चों को सुला रहा होता है तभी जैक नाम का एक लड़का उससे कहता है कि वो डरा हुआ है और रिचर्ड कहता है कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ। और यहीं पे हम दो और बच्चों को देखते हैं जिनका नाम है क्रिस्टोफर और सेला। और अब समय ऐसे ही बीतते जाता है और एक दिन हम रिचर्ड को देखते हैं एक महिला के साथ और ये महिला इस मिशन की इंचार्ज है, इसीलिए वो रिचर्ड से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें भी इस मिशन पे बच्चों के साथ जाना चाहिए। और रिचर्ड भी बच्चों के साथ जाने के लिए मान जाता है और जल्दी ही सारे लोग मिशन पे निकल जाते हैं। और जैसे ही ये लोग अंतरिक्ष में पहुंचते हैं इन सारे बच्चों को अपना अपना कमरा मिलता है और उसी समय हम रिचर्ड को देखते हैं जो कि पृथ्वी को आखिरी बार देख रहा है, क्योंकि रिचर्ड को पता है कि अब वो पृथ्वी पे कभी भी नहीं आ पाएगा। और ऐसे ही समय बीतते जाता है और 10 साल का वक्त निकल जाता है और हम देखते हैं कि अब सारे बच्चे बड़े हो चुके हैं और इस यान के अंदर इनकी जिंदगी बहुत ही रूटीन भरी होती है जिसे देखने के बाद लगता है कि जैसे ये कोई इंसान नहीं बल्कि रोबोट्स हो। और यहीं पे हम देखते हैं जैक और क्रिस्टोफर को जो अभी गाना सुन रहे होते हैं और अब हम देखते हैं सेला को और सेला यान से बाहर देख रही होती है क्योंकि सेला थोड़ी कंफ्यूज नजर आती है। और फिर वो पहुंचती है रिचर्ड के पास और कहती है कि आखिर हमारा उस प्लेनेट पे जाना क्यों जरूरी है। तब रिचर्ड बताता है क्योंकि इंसानियत पूरी तरीके से खत्म नहीं होनी चाहिए, तुम लोग नए प्लेनेट पे जाओगे और फिर तुम लोग वहाँ पे नई दुनिया का निर्माण करोगे। तब सेला कहती है लेकिन जब तक ये यान नए ग्रह पे पहुंचेगा तब तक तो हम मर चुके होंगे। तब रिचर्ड सेला को अपने दादा दादी की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि मैं इनका पोता हूं और मेरे दादा दादी ने कहीं ना कहीं दुनिया को आगे बढ़ाने में दुनिया की मदद की, इसीलिए उन्होंने मेरे पिता को पैदा किया और मेरे पिता ने मुझे पैदा किया। और जब तक तुम लोग उस नए प्लेनेट पे पहुंचोगे तब तक तुम्हारे पोते भी पैदा हो चुके होंगे और वो लोग उस ग्रह को फिर से घर बनाएंगे। और सेला सारी बातों को समझ जाती है और धीरे धीरे रात हो जाती है और रात में हम क्रिस्टोफर को देखते हैं जिसे नींद नहीं आ रही होती है क्योंकि उसे इस यान पे तरह तरह की आवाजें सुनाई पड़ती है। फिर जल्दी ही सुबह हो जाती है और सारे लोग पहुंचते हैं लैब में जहां पे नए नए पौधे उगाए जा रहे हैं और यहां पे क्रिस्टोफर को इन पौधों में एक नया केमिकल देखने को मिलता है जिसका नाम होता है T56J। और क्रिस्टोफर समझ नहीं पाता है कि आखिर ये केमिकल क्या है, इसीलिए वो रिचर्ड से इस बारे में पूछता है लेकिन रिचर्ड उसे कुछ भी नहीं बताता। तब क्रिस्टोफर पहुंचता है जैक के पास और उससे पूछता है लेकिन जैक को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तभी जैक कहता है लेकिन हम इस बारे में रात को पता लगा सकते हैं, जब सारे लोग सो जाएंगे तब मैं यहाँ के सिस्टम के फायरवॉल को ब्रेक करूंगा और सिस्टम से सारी जानकारियां निकाल लूंगा। और रात में ये लोग ऐसा ही करते हैं, जैक सिस्टम के फायरवॉल को ब्रेक करता है और वो सारी जानकारियां निकाल लेता है। और यहाँ पे इन्हें एक आश्चर्यजनक बात पता लगती है कि ये वही केमिकल है जिस केमिकल को इन्हें हर रोज पिलाया जाता है। इन्हें यहाँ पे हर रोज नीले रंग की एक दवाई पिलाई जाती है और वो दवाई इसी केमिकल का बना हुआ है, इसीलिए अब ये लोग इस केमिकल के बारे में पता लगाने लगते हैं। और इन्हें पता लगता है कि इस दवाई को पीने से इनके अंदर का गुस्सा कम होता है और ये किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते और उसके साथ साथ ये दवाई इनके सेक्सुअल डिजायर को भी मार देती है। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि ये लोग समय से पहले यान पे जनसंख्या ना बढ़ा दे। लेकिन इन चीजों को जानने के बाद क्रिस्टोफर और जैक उन दवाइयों को लेना बंद कर देते हैं और जब भी उन्हें नीली दवाइयां दी जाती हैं वो चुपके से उन दवाइयों को फेंक देते हैं। और जल्दी ये दोनों दो और लोगों को बताते हैं इस दवाई के बारे में और उसके साथ साथ ये लोग ये भी बताते हैं कि यहाँ पे एक छुपा हुआ कंपार्टमेंट है जिसे पॉड 23 कहा जाता है और हमसे अब तक उन बातों को छुपाया गया है। तभी हम देखते हैं कि क्रिस्टोफर पहुंचता है रिचर्ड के पास और उससे कहता है कि आप हम लोगों से हमेशा से झूठ बोलते आए हैं, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि यहाँ पे एक कंपार्टमेंट है जिसका नाम है पॉड 23। और क्रिस्टोफर यहाँ पे सिर्फ पॉड के बारे में पूछता है और वो दवाइयों के बारे में कुछ भी नहीं बताता। तभी रिचर्ड कहता है कि पॉड 23 में जितनी भी चीजें हैं वो तुम लोगों की तीसरी पीढ़ी के लिए है, उन चीजों की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है, इसीलिए उन चीजों के
बारे में तुम्हें कभी नहीं बताया गया। और अब क्रिस्टोफर यहाँ से चला जाता है। तभी रिचर्ड पृथ्वी पे संदेश भेजता है और वो पूछता है कि क्या वो बच्चों को पूरी सच्चाई बता सकता है, क्योंकि अगर बच्चों को इसके बिना बताया सच्चाई पता लग गई तो उनका भरोसा टूट जाएगा रिचर्ड पर से। लेकिन रिचर्ड के संदेश का जवाब आने में अभी 2.25 महीने और लगेंगे, इसीलिए रिचर्ड इंतजार करने लगता है। तभी हम क्रिस्टोफर को देखते हैं जो कि लाइन में लगा हुआ है, और क्रिस्टोफर के सामने यहाँ पे सेला है और क्रिस्टोफर सेला को लाइक करता है। और जब से इन लोगों ने दवाइयाँ लेनी बंद की हैं, तब से इनके सेक्सुअल डिजायर्स भी बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए क्रिस्टोफर हर वक्त सेला को देखते रहता है। तभी हम जैक को देखते हैं जो कि सेला के पास जाता है और उसे बड़े ही अजीब तरीके से देखने लगता है और कहता है कि तुम पहले से बदल चुकी हो, और इतना कहने के बाद वो सेला को छूने लगता है। तभी वहाँ पर रिचर्ड आ जाता है और वो कहता है कि किसी को मत छुओ, क्योंकि ये चीज यहाँ के नियमों के खिलाफ है। और अब समय ऐसे ही बीतते जाता है और क्रिस्टोफर और जैक उन दवाइयों को नहीं लेते, इसीलिए धीरे धीरे उनमें बदलाव आने लगता है। और एक दिन हम इन दोनों को लड़ते हुए देखते हैं, और जब सारे लोग इन्हें लड़ते हुए देखते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्या कर रहे हैं। लेकिन बिना दवाइयों के ये दोनों दिन प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं, और इसी बीच ये लोग एक लड़के से मिलते हैं, क्योंकि इस यान पे बहुत सारी अजीब अजीब आवाजें आ रही होती हैं और इन सबको लगता है कि वो एलियंस की आवाजें हैं और एलियंस इनके यान के पास आ चुके हैं। तभी हम रिचर्ड को देखते हैं जो कि सेला को पृथ्वी के पौधे दिखा रहा होता है, और इसी बीच जैक और क्रिस्टोफर भी वहां पहुंच जाते हैं। और जैक देखता है कि रिचर्ड ने सेला के कंधे पे हाथ रखा है, और ये चीज जैक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि वो सेला को पसंद करता है। तभी अगले दिन रिचर्ड सबको बताता है कि उनका ट्रांसमीटर खराब हो चुका है, इसीलिए पृथ्वी से उनका संपर्क टूट चुका है और उन्हें जल्दी उस ट्रांसमीटर को ठीक करना पड़ेगा। इसीलिए रिचर्ड जैक को अपने साथ चलने के लिए कहता है और वो बाकी लोगों को अपना काम करने के लिए कहता है। तभी जैक देखता है कि सेला बिल्कुल अकेली है, इसीलिए वो उसे जबरदस्ती करने लगता है। तभी वहाँ रिचर्ड आ जाता है और वो जैक को धक्का दे देता है, और रिचर्ड को यहाँ देखने के बाद जैक यहाँ से भाग जाता है। लेकिन रिचर्ड समझ नहीं पाता कि जैक ऐसा क्यों कर रहा है, इसीलिए वो जैक का पीछा करने लगता है। तभी रिचर्ड को एक लड़की मिलती है जो उसे बताती है कि जैक ने दवाइयाँ लेना बंद कर दिया है और क्रिस्टोफर भी दवाइयाँ नहीं ले रहा है। इसीलिए रिचर्ड पहुँचता है क्रिस्टोफर के पास, और क्रिस्टोफर रिचर्ड से कहता है कि आपने हमसे झूठ बोला और हमें आप ड्रग्स देते रहे। तब रिचर्ड कहता है कि वो दवाइयाँ तुम लोगों की सुरक्षा के लिए दी जा रही थी, अगर तुम लोगों को वो दवाइयाँ नहीं दी जाती तो आज सबकी हालत जैक की तरह होती। और इतना कहने के बाद रिचर्ड क्रिस्टोफर को कहता है कि अब तुम मेरे साथ बाहर चलो क्योंकि हमें ट्रांसमीटर को फिक्स करना है। और इसके बाद क्रिस्टोफर और रिचर्ड दोनों बाहर चले जाते हैं ट्रांसमीटर को फिक्स करने के लिए। तभी हम जैक को देखते हैं जो कि कंट्रोल रूम में आता है, और जैक अभी डरा हुआ है। फिर हमारे सामने अंतरिक्ष का दृश्य आता है और क्रिस्टोफर अंतरिक्ष के नजारे को देखने के बाद भौचक्का रह जाता है। तभी हम रिचर्ड को देखते हैं जो कि ट्रांसमीटर को ठीक कर रहा है। तभी इस यान के अंदर बहुत सारी आवाजें सुनाई पड़ने लगती है जिसे सुनने के बाद सारे बच्चे डर जाते हैं। और इसी बीच बाहर हम एक छाया को देखते हैं, और वो छाया जैसे ही रिचर्ड के पास आती है, रिचर्ड यान से दूर चला जाता है और वो घायल हो जाता है, और पूरे यान पे लाल बत्तियां जलने लगती है और यहाँ पे कई जगहों पे आग भी लग जाता है। फिर भी सारे लोग रिचर्ड को अंदर खींच लेते हैं, लेकिन रिचर्ड की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। और अब जल्दी ही सबको पता लगता है कि रिचर्ड मर चुका है, और रिचर्ड को मरा हुआ देखने के बाद सारे लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर बाहर क्या हुआ। तभी यहाँ का एक लड़का कहता है कि मुझे लगता है कि बाहर वो एलियन था जिसने रिचर्ड को मारा। और अब इस बात को सुनने के बाद बहुत सारे लोग डर जाते हैं, लेकिन क्रिस्टोफर सबको संभालने की कोशिश करता है। और अब सारे लोग मिल करके सिस्टम को रीसेट करने लगते हैं और यान की हालत फिर से ठीक हो जाती है। लेकिन अब सारे लोग उस फुटेज को देखना चाहते हैं जब रिचर्ड की मौत हुई थी, लेकिन इन्हें उस घटना का कोई भी फुटेज नहीं मिलता, और इन्हें पता लगता है कि वो फुटेज ऑटोमेटिक डिलीट हो चुका है। और अब सारे लोग बात करने लगते हैं कि इनका अगला कमांडर चीफ कौन होगा, और जैक सबके सामने आता है और कहता है कि वो चीफ बनना चाहता है। तभी ये लोग कहते हैं कि हमें इसके लिए वोटिंग करनी चाहिए, और जब सारे लोग वोटिंग करते हैं तो हमें पता लगता है कि क्रिस्टोफर को नया चीफ चुना गया है, और जैक को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। फिर क्रिस्टोफर सबको कहता है कि वो यान की मरम्मत करे, और जब यान की पूरी तरीके से मरम्मत हो जाएगी तब ये लोग सर्विलेंस को चेक करेंगे और पता लगाएंगे कि आखिर रिचर्ड की मौत कैसे हुई थी। और अब हम सेला को देखते हैं जो कि रिचर्ड के कमरे में है, और वो उसकी सारी चीजों को नष्ट करने वाली है। तभी वहाँ पे क्रिस्टोफर आता है और वो रिचर्ड की बहुत सारी वीडियोज को देखते हैं, और उन्हें पता लगता है कि रिचर्ड के लिए मिशन कितना ज्यादा जरूरी था। तभी क्रिस्टोफर देखने जाता है कि सारे लोग काम कर रहे हैं या नहीं। तभी वो देखता है कि सब बैठे हुए हैं, और इस बात पे क्रिस्टोफर गुस्सा करने लगता है। तब जैक क्रिस्टोफर के पास आता है और कहता है कि हम फ्रिज को ठीक कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारा खाना ऐसा है जो जल्दी ही खराब होने वाला है, तो मुझे लगता है कि हम सबको पार्टी करनी चाहिए क्योंकि हमें एक नया चीफ मिला है। और अब सारे लोग पार्टी करने लगते हैं, और इसी बीच ये लोग निश्चय करते हैं कि अब ये लोग कभी भी उन नीली दवाइयों को नहीं लेंगे। तभी दूसरी तरफ हम क्रिस्टोफर और सेला को देखते हैं, और हमें पता लगता है कि दिन प्रतिदिन क्रिस्टोफर और भी ज्यादा सेला को चाहने लगा है। और अब समय ऐसे ही बीतते जाता है और धीरे धीरे सारे लोगों में बदलाव आने लगते हैं, और अब सारे लोग रिचर्ड की वीडियोज को देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पे सेला आती है और वो सब पे गुस्सा करने लगती है, और सारे लोग यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन जाते वक्त जैक सेला से कहता है कि अब तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पर रिचर्ड नहीं है, और सेला इस बात से डर जाती है, इसीलिए वो छोटी सी
चाकू लेकर के एक कमरे में चली जाती है। तब तक क्रिस्टोफर को ये बात पता लग जाती है, इसीलिए वो पहुंचता है सेला के पास और वो सेला को गले लगाने लगता है। तभी वहाँ पे जैक आता है और जैक को लगता है कि क्रिस्टोफर और सेला के बीच कुछ चल रहा है, इसीलिए जैक यहाँ से चला जाता है। और क्रिस्टोफर सेला को बताता है कि मैं तुम्हें इसलिए गले लगा रहा था ताकि जैक इस चीज को देख करके चला जाए। तभी सेला कहती है कि यान के सारे लोगों की हालत खराब हो रही है, इसीलिए तुम्हें सबकी मदद करनी पड़ेगी। इसी बीच हम इस यान पे कुछ लोगों को लड़ते हुए भी देखते हैं और अब क्रिस्टोफर बाहर जैक से बात करने आता है। तभी इन्हें फिर से यान के ऊपर वही आवाजें सुनाई पड़ने लगती है और सारे लोग डर जाते हैं, लेकिन ये आवाजें धीरे धीरे गायब हो जाती है। लेकिन इस यान की हालत नहीं सुधरती, जल्दी ही लोग यहाँ पे और भी ज्यादा लड़ने लगते हैं और इस चीज को देख करके क्रिस्टोफर परेशान हो जाता है और वो सबको कहता है कि अब से यहाँ पे लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तब सारे लोग अपनी अपनी परेशानियां बताने लगते हैं और कहते हैं कि ये लोग काम नहीं करना चाहते क्योंकि इन्हें लगता है कि ये जल्दी ही मर जाएंगे और ये कभी भी उस ग्रह तक नहीं पहुंच पाएंगे। फिर एक लड़का कहता है कि वो कंट्रोल रूम में और काम नहीं करना चाहता क्योंकि उसे लगता है कि वहां पे कोई एलियन छुपा हुआ है। और इस बात को सुनने के बाद जैक भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि क्रिस्टोफर को यहां का चीफ नहीं होना चाहिए बल्कि जैक को यहां का चीफ होना चाहिए। इसीलिए जैक सबको कहता है कि जिसको लगता है कि मुझे चीफ बनना चाहिए वो मेरे साथ आ जाए क्योंकि मुझे बहादुर लोगों की जरूरत है और अगर मैं चीफ रहूंगा तो अगर यहाँ पे एलियन भी आ जाएगा फिर भी मैं उनका सामना करूंगा। और इस बात को सुनने के बाद जैक के साथ भी बहुत सारे लोग मिल जाते हैं और इसान के सारे लोग दो ग्रुप में बट जाते हैं। और अब क्रिस्टोफर अपने सारे लोगों को लेकर के पहुंचता है सर्विलेंस रूम में ताकि वो पता लगा सके कि रिचर्ड कैसे मरा। तभी हम जैक को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ कंट्रोल रूम के अंदर जाता है ताकि वो एलियंस का पता लगा सके। और जल्दी ही जैक अपने दोस्त के साथ भागता हुआ आता है बाहर और सबको कहता है कि उस पे एलियंस ने हमला किया और यहाँ पे सच में एलियंस है। तभी दूसरी तरफ हम क्रिस्टोफर को देखते हैं जिसे वो फुटेज मिल गया है कि आखिर रिचर्ड कैसे मरा था। और जब ये लोग इस फुटेज को देखते हैं तब उन्हें पता लगता है कि जैक ने रिचर्ड को मारा था, लेकिन ये लोग इस फुटेज को यहीं पे छुपा देते हैं क्योंकि अभी ये लोग नहीं चाहते कि सारे लोगों को ये बात पता चले। और अब सेला और क्रिस्टोफर सोचने लगते हैं कि आखिर वो जैक को कैसे रोके। और इसी बीच ये दोनों नजदीक आने लगते हैं और अंत में ये दोनों इंटीमेट होते हैं। तभी सुबह सुबह जैक पहुंचता है इनके पास और वो इन्हें खाने पे आने के लिए कहता है। और जैसे ही ये लोग खाना खाने जाते हैं तभी जैक सबसे कहता है कि अब वो यहाँ का नया चीफ बन चुका है। और इस बात को सुनने के बाद क्रिस्टोफर खड़ा हो जाता है और वो सबको वही क्लिप दिखाता है जब जैक ने रिचर्ड को मारा था। और इस चीज को देखने के बाद सारे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं और क्रिस्टोफर सबको कहता है कि हमें इसे सजा देनी चाहिए क्योंकि इसने रिचर्ड को मारा है और उसके साथ साथ इसने अफवाह फैलाया है कि इस यान पे एलियंस है। और अब इस बात को सुनकर जैक कहता है कि इस यान पे एलियंस है। पहले वो एलियन रिचर्ड के शरीर के अंदर था लेकिन अब वो एलियन क्रिस्टोफर के शरीर के अंदर आ गया है और इस चीज को खत्म करने के लिए हमें क्रिस्टोफर को मारना पड़ेगा। और अब यहाँ पे फिर से सारे लोग दो समूह में बट जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें क्रिस्टोफर को मारना चाहिए और कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें नहीं मारना चाहिए। और अब यहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है और ये लड़ाई बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे एक आदमी की मृत्यु हो जाती है। फिर सारे लोग अलग अलग ग्रुप में बट जाते हैं। एक ग्रुप में क्रिस्टोफर अपने दोस्तों को लेकर के जाकर के छुप जाता है और एक ग्रुप में जैक होता है जो अपने लोगों के साथ होता है। और क्रिस्टोफर का समूह जैक के समूह से डरता है क्योंकि जैक के पास हथियार है, इसीलिए सेला क्रिस्टोफर को कहती है कि तुम्हें भी जाकर के हथियार लेकर के आना चाहिए क्योंकि तुम्हें पता है कि इस यान पे हथियार कहाँ छुपा करके रखा गया है। इसीलिए क्रिस्टोफर निकल पड़ता है हथियार लाने के लिए, लेकिन वो जैसे ही कंपार्टमेंट खोलने की कोशिश करता है वहाँ का अलार्म बज जाता है। और अब क्रिस्टोफर स्क्रू ड्राइवर लेने चला जाता है ताकि वो कंपार्टमेंट को खोल सके, लेकिन वो जैसे ही वापस आता है वो देखता है कि जैक का समूह यहाँ पे पहुंच चुका है क्योंकि उन लोगों ने उस अलार्म को सुन लिया था। और ये लोग जल्दी ही इस कंपार्टमेंट को खोल भी लेते हैं और सारे के सारे हथियार जैक के ग्रुप वालों को मिल जाता है। और यहाँ पे कुछ लोग जैक को कहते हैं कि हमें इन हथियारों को नहीं लेना चाहिए क्योंकि यही वो हथियार है जो तीसरी पीढ़ी के लिए छोड़ा गया है, लेकिन जैक कहता है कि हमें इस हथियार को लेना पड़ेगा। तभी हम क्रिस्टोफर को देखते हैं जो कि सेला के पास पहुंच चुका है और अभी ये लोग एक कमरे में बंद है और ये प्लानिंग बना रहे हैं कि आखिर जैक को कैसे रोका जाए। तभी जैक यहाँ की बिजली काट देता है और वो जल्दी ही कमरे के अंदर भी घुस जाता है। और इस चीज को देखने के बाद सेला सबको बचाने के लिए जैक से कहती है कि वो जैक के साथ रहना चाहती है, लेकिन जैक उसकी बातों को समझ जाता है और वो कहता है लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। और इस बात को सुनने के बाद सारे लोग हंसने लगते हैं। तभी एक लड़की सामने आती है और कहती है कि आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो, हम आपस में क्यों लड़ रहे हैं, और वो सबको समझाने की कोशिश करने लगती है। तभी जैक के ग्रुप का एक आदमी उस लड़की को गोली मार देता है और अब सारे लोग क्रिस्टोफर को मारने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन क्रिस्टोफर भाग करके एक टनल में छुप जाता है। लेकिन इन्हें पता लग जाता है कि आखिर क्रिस्टोफर किस टनल में छुपा हुआ है, इसलिए जैक टनल के अंदर गोलियां चलाने लगता है और वो अपने एक आदमी को भी भेजता है टनल के अंदर। तभी हम क्रिस्टोफर को देखते हैं जो कि टनल से निकल चुका है और सेला भी उसके साथ है। और अब ये दोनों जाते हैं यान के आखिरी कमरे में। तभी जैक के ग्रुप का एक आदमी उन पे हमला कर देता है और यहाँ पे एक्सीडेंटली उसकी मौत हो जाती है। फिर क्रिस्टोफर सेला को कहता है कि वो स्पेस सूट पहन ले और इतना कहने के बाद वो यहाँ के खिड़कियों को बंद करने लगता है। तभी यहाँ पे जैक आता है और वो अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है दरवाजे पे, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है जैक दरवाजे के साथ खींचा चला जाता है और हवा का दबाव जैक को बाहर खींचने लगता है क्योंकि क्रिस्टोफर ने यहाँ का दरवाजा खोल दिया है और उन लोगों ने स्पेस सूट पहन रखा है, इसीलिए उन पे कोई भी असर नहीं हो रहा। लेकिन जैक ने सूट नहीं पहना है और अभी वो पूरी तरीके से
अंतरिक्ष के खुले वातावरण के संपर्क में आ रहा है, इसलिए अब जैक देखता है कि वो बाहर जाने वाला है। फिर वो सेला को पकड़ लेता है और उस पर हमला कर देता है, और इसी बीच वो सेला को एक चाकू भी मारता है ताकि सेला भी उसके साथ अंतरिक्ष में बाहर जा सके। तभी क्रिस्टोफर देखता है कि सेला खतरे में है, इसीलिए वो जैक पे हमला कर देता है, लेकिन जैक उल्टा क्रिस्टोफर को ही अंतरिक्ष में फेंक देता है। और जब सेला देखती है कि क्रिस्टोफर बाहर चला गया है, तब उसे भी गुस्सा आ जाता है और वो जैक को एक किक मारती है और जैक अंतरिक्ष में चला जाता है, और जल्दी ही जैक की मृत्यु हो जाती है। लेकिन सेला देखती है कि क्रिस्टोफर बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसने स्पेस सूट पहन रखा है, इसीलिए सेला जल्दी ही क्रिस्टोफर को अंदर ले लेती है। और अंदर आने के बाद ये दोनों सारे लोगों को बताते हैं कि जैक मर चुका है और अब हमें इन सारी चीजों को बंद करना चाहिए, और सारे लोग इस बात को समझ जाते हैं और सब अपनी अपनी बंदूकें छोड़ देते हैं। और अब समय ऐसे ही बीतते जाता है और धीरे धीरे सारी चीजें ठीक होने लगती है, और जल्दी ही यहाँ पे फिर से वोटिंग होती है नए चीफ के लिए, और इस बार सारे लोग सेला को नया चीफ चुनते हैं, और धीरे धीरे सारी चीजें परफेक्ट होने लगती है। सारे लोग मिल करके इस यान को फिर से रिपेयर करते हैं और सारी समस्याओं को ठीक कर देते हैं, और धीरे धीरे समय ऐसे ही बीतते जाता है, और जल्दी ही हम सेला को प्रेग्नेंट देखते हैं। फिर सेला अपने और क्रिस्टोफर के बच्चे को जन्म देती है, और जब क्रिस्टोफर उस बच्चे को लेकर के यान में घूम रहा होता है, तभी हम यहाँ पे और भी बहुत सारे बच्चों को देखते हैं, और इन सारी चीजों को देख करके हमें पता लगता है कि इनकी दूसरी पीढ़ी की शुरुआत हो चुकी है। फिर समय बड़ी ही तेजी के साथ बीतने लगता है और सारे लोग पहुँचते हैं नए ग्रह पे, जहाँ हम बहुत सारे बुजुर्ग लोगों को देखते हैं, और इनके साथ इनके बेटे और पोते होते हैं, और हमें पता लगता है कि इनकी तीसरी पीढ़ी भी आ चुकी है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।